वाराणसी जिले सहित पूरे पूर्वांचल में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मार्च के बाद अब अप्रैल में ही झुलसने वाला दिखाई दे रहा है और इसके कारण अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं स्किन से जुड़े मरीजों की संख्या ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका। वहीं आसमान का तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग झुलसा देने वाली गर्मी के कारण बीमार पड़ रहे हैं। वहीं शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय वाराणसी में कार्यरत स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव दीक्षित ने कहा है कि पहले 50 की संख्या में मरीज आया करते थे और अब प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा स्किन से जुड़े मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं लोगों को गर्मी से बचने के लिए स्किन को पानी से धोने की जरूरत है। और जो है धूप के कारण जो है स्किन लाल हो जाती है, चेहरे की दाने निकल जा रहे हैं और स्किन जल भी जा रही है और काफ़ी जलन भी हो रही है स्किन में। तो इसका मेन बचाव है कि दोपहर में धूप में ना निकलें और कोई सनस्क्रीन लोशन लगावें। जहाँ तक अगर निकलने की हो तो कपड़ा किसी चीज़ से ढक करके, चेहरे को ढक करके तभी बाहर निकलें। अधिक से अधिक पानी पिएं और हरी साग सब्जी